नमस्कार, सरकारीटेल.com के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर पूरे भारत में कहर बरपा चुकी है। कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हर तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। कहीं पे ऑक्सीजन आपूर्ति को लेके दिक्कतें, तो कहीं दवाइयों की आपूर्ति को लेके दिक्कतें। मगर दूसरी ओर हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर्स, नर्सेस जी जान 24 घंटे लोगों की जान बचाने में भी लगे हुए हैं। मगर आपको जान के हैरानी होगी कि एक ऐसा जिला भी है जहां पे कोरोना महामारी की प्रबंधन को लेके एक अलग तरीके की रणनीति अपनाई गई। और इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र भारूड, जो कि वर्ष 2013 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। और उनका एक और भी परिचय है, यह जिला उनकी जन्मभूमि भी है। जी हाँ, उनका जन्म सामोडे तालुका में हुआ था। इस पूरे महामारी प्रबंधन को लेके किस तरीके की रणनीति अपनाई गई, इस विषय पे आज हम उनसे विस्तार में चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र भारूड, आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पिछले साल पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई जो कि अत्यंत भयानक रूप और विकराल रूप धारण कर चुकी है। मैं चाहूंगा कि आपने इस पूरे क्राइसिस में किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट किया और आज आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या आज बेड्स अवेलेबल है, क्या ऑक्सीजन अवेलेबल है, इन्हीं सब विषयों पे हम आप चाहेंगे कि आपसे इस विषय पे आज आपसे बात करें। तो आप हमारे दर्शकों को आज बताएं कि आपने इन सब चीजों को कैसे टैकल किया। अमय जी, सबसे पहली बात मैं नंदुरबार जिले के बारे में आपके दर्शक को बोलना चाहूंगा। एक ट्राइबल डोमिनेटेड जिला है, आदिवासी बहुल जिला है। लगभग 70% पॉपुलेशन ये ट्राइबल है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दो स्टेट के बीच में महाराष्ट्र का जिला पड़ता है, रिमोट जिला है। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे काफी दिक्कतें थी। हमारे यहाँ पे कोई भी BMS, BHMS, MBBS कॉलेज नहीं था। पिछले साल एक हमारा कॉलेज शुरू हुआ, पहली बैच थी, और एम्बुलेंसेस की काफी किल्लतें थी। कोई लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, कोई लैब नहीं थी, और वैकेंसी भी काफी बड़े पैमाने पे थी, 30-35%। तो जब लास्ट टाइम हमारा कोविड का जो फर्स्ट वेव आई थी, उस टाइम पे हमारे पास हार्डली 20 बेड थे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो डिपेंडेंसी है, लोगों का निर्भरता है, वो गवर्नमेंट सेटअप पे है। तो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के उप जिला रुग्णालय, रूरल हॉस्पिटल, ग्रामीण रुग्णालय, तो बंद नहीं कर सकते थे या कोविड में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो हमको नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, क्योंकि रेगुलर डिलीवरी, सीजेरियन, रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट काफी बड़े पैमाने पे सिविल पे आते थे। तो वो 20 बेड से लेके आज हमारे जिले में गवर्नमेंट के लगभग 450 के ऊपर बेड्स है, और प्राइवेट के लगभग 600-650 के ऊपर बेड्स है। लगभग हमारा पूरा जो काउंट है आज का, वो 1290 ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर बेड्स है। और उसके अलावा जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ है, तो हमारे पास रेलवे कोच है, रेलवे के 378 बेड्स है। हमारे जो हॉस्टल्स है, वहाँ पर हमने नर्सेज, डॉक्टर्स को अपॉइंट करके, जो माइल्ड पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे लगभग पूरे ज़िले में रूरल हॉस्पिटल, PSC सब मिला के 7000 के ऊपर बेड्स है, स्कूल्स, हॉस्टल्स। और हमारा ऐसा मानना है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप आइसोलेट करोगे, शिफ्ट करोगे, उतना कोविड का जो स्प्रेड है वो रुकने में मदद होता है। तो पिछले साल जब हमने 20 बेड से शुरू किया था, तो हमारे पास कोई प्लांट नहीं था। तो सबसे पहले हमने हमारी गवर्नमेंट लैब बनाई, पहले उसकी कैपेसिटी 1000 टेस्टिंग की थी। अभी वो दूसरा मशीन आया तो 2000 टेस्टिंग एक दिन में RT-PCR कर सकता है, जो 20 लाख की लोकसंख्या के लिए सफिशियंट है। फिर दूसरी बात, हमारे पास प्लांट नहीं थे, तो हमारा मैक्सिमम डिपेंडेंसी सूरत पे था, भोपाल पे था, कुछ धुले से आता था। तो अभी हमारे पास 3 प्लांट्स है। एक प्लांट की लागत लगभग 85 लाख है, और एक प्लांट एक मिनट में 600 लीटर पर मिनट, इतना हवा, इतना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके नॉर्मल एयर से, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल लगता नहीं, कच्चा माल लगता नहीं, रॉ मटेरियल से बना के, कच्चा हवा से बना के वो सीधा पेशेंट के पास जाता है। उसका हम सिलेंडर भी बना सकते हैं, उसके पास दोनों डबल मोटे काम होता है। तो ये 3 प्लांट बिठाए हैं, 2 सिविल में बिठाया है, 1 शहादा ब्लॉक में बिठाया है, और 2 प्राइवेट के प्लांट है, और 2 प्लांट के हमने वर्क ऑर्डर दिए हैं, वो भी काम उसके प्रगति पथ पर है, और एक लिक्विड टैंक का काम चल रहा है। तो अभी जिले में जितने भी बेड से 1250 में लगभग 250 बेड जो है वैकंट है अभी फिलहाल।
और अभी हमारे पास 12 से 15% जो पेशेंट्स है वो बाहर के जिले से आते हैं। हमारा जो नेबरिंग जिला है धुले, वहाँ का साकरी, दोंडाइचा, या कुछ गुजरात के लोग आते हैं जो पास वाले हैं, एमपी के लोग आते हैं। तो अभी पिछले 10 दिन से हमारा जो एवरेज केस है, जैसे मैंने बताया कि अभी जो पुरानी वेव पे हमारा पीक था, एक दिन में पीक वो 190 था, इस वेव में हमारा पीक 1200 के ऊपर गया था। मतलब समझिए 6 से 7 गुना ये वेव ज्यादा स्प्रेडिंग होती है। तो मैं आपके माध्यम से बाकी जो जिले में अभी तक कोविड का फैलाव हुआ नहीं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रिपेयर्ड रहिए, अभी से पिछले वेव की तरह ये वेव नहीं है। और जिस जिलों में कम पेनिट्रेशन हुआ है पिछले टाइम पे, उनको ज्यादा मार इस बार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो पिछले टाइम जिन लोगों ने रोका उनको इस बार ज्यादा झेलना पड़ रहा है, ऐसा एक ओवरऑल दिख रहा है। तो उसके हिसाब से फिर हमने ज्यादा बेड बनाए, ज्यादा नर्सेस को रिक्रूट किया, ज्यादा जो हमारे पास जो रिसोर्सेस थे उनको ट्रेन किया, डॉक्टर्स को ट्रेन किया। और कुछ लोग रेलवे में हैं, कुछ लोग आइसोलेशन सेंटर में काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से सेपरेट आइसोलेशन सेंटर बनवाया, जहाँ पर महिला सिक्योरिटी हो, महिला डॉक्टर्स हो, महिला नर्स हो, महिला ही क्लीन करे और महिला ही खाना बनाए। तो महिलाओं के लिए काफी अच्छी एक सुविधा हम बोल सकते हैं। और एम्बुलेंस के बारे में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एम्बुलेंस की काफी किल्लतें थी, तो हमने सीएसआर के कुछ कंपनीज को रिक्वेस्ट किया और हमें सीएसआर के माध्यम से 27 एम्बुलेंसेस मिली फोर्स कंपनी की, और 2 शववाहिकाएं मिली। तो ये मल्टीफोल्ड काम चलता है। और जैसे आपने बताया कि इसके बारे में, इसके अलावा क्या, तो ट्राइबल एरिया है तो लोगों को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं रहता है, लोग बुखार भी अपने आंग पे निकालते। तो हमने जहाँ पर सिंगल पेशेंट भी मिला, उस गाँव में जाके, हमारे पास लगभग 28 मोबाइल टीम्स है, गाँव में जाके उनका टेस्टिंग होता है। और वैक्सीनेशन की 16 टीम्स है, 16 गाड़ियां उनके पास है, इनके पास 28 गाड़ियां है, तो गांव में ही वैक्सीनेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को कंफर्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। अमेय जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचने की बजाय आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये एक नई बात आज पता लगी, क्योंकि ज्यादातर देश में अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन सेंटर दिया जाता है। और ज्यादातर मेरे जितने भी जानने वाले हैं उन्होंने हमको यही बताया कि वहां जब भी जाते हैं तो वहां तुरंत तो मिलता नहीं है, वहां कम से कम 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने संबोधन में कहा कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप आत्मनिर्भर डिस्ट्रिक्ट बनाने का क्या आपकी योजना है इस पूरे कोविड मैनेजमेंट को लेकर? अभी हमारे सबसे सौभाग्यपूर्ण बात है कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, वो हमारा सेल्फ प्रोडक्शन है। और अभी हमने और 200 कॉन्सेंट्रेटर्स हमें एक सीएसआर कंपनी दे रही है, कल उसका पहली बैच 100 कॉन्सेंट्रेटर्स की आ रही है। हमने खुद ही भी कॉन्सेंट्रेटर्स के ऑर्डर प्लेस की है, लेकिन पूरे इंडिया में काफी बड़ा शॉर्टेज है, तो कुछ फॉरेन से कॉन्सेंट्रेटर्स आने में लगभग टाइम लगेगा, लेकिन सीएसआर हमें काफी हेल्प करता है, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स है उसके माध्यम से। तो वो हमें 100 कॉन्सेंट्रेटर्स मिल रहे हैं, उसका एक कैपेसिटी 5 लीटर पर मिनट है, 100 का पकड़े तो 500 लीटर तक वो प्रोडक्शन कर सकता है। तो जहाँ पर वोल्टेज का इश्यू है, रिमोट एरिया है, वहाँ पर जैसे हमारा जो सतपुड़ा का पहाड़ है, वहाँ के जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कॉन्सेंट्रेटर काफी कारगर साबित होगा, ऐसे मुझे लगता है। और हमारा लिक्विड टैंक और ये जो बाकी के 2 प्लांट जो मैंने बताए, अगर वो पूरा हो जाता है तो मुझे लगता है कि नंदुरबार हमारा जिला किसी दूसरे ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर का हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो ऑक्सीजन आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो आप महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में भी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, अभी तो वैसा कोई प्लान नहीं है। अभी जब तक हमारा लिक्विड टैंक नहीं लगता और जब तक पेशेंट का केसेस नंबर कम नहीं होता, लिक्विड टैंक लगने के बाद जो हमारा प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को हम सिलेंडर के रूप में डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि 12 से 15% केसेस बाहर के ही जिले में नंदुरबार में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी हमारा जो कंजम्पशन और जो जनरेशन और जो बाहर से सप्लाई है वो अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बैकअप प्लान भी रखा है, कुछ बैकअप सिलेंडर रिजर्व करके भी रखा है, इनकेस कुछ किल्लत होती है लास्ट मोमेंट पे, तो वो भी यूज करने का हमने प्लान किया है। तो हम ये मान के चले कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ना तो बेड की दिक्कत है ना ऑक्सीजन की दिक्कत है। फिलहाल बेड की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 250 के ऊपर ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू बेड्स अवेलेबल है। अभी ऑक्सीजन का हमारा 50 से 60% जो प्रोडक्शन है वो सेल्फ हो रहा है गवर्नमेंट का, बाकी हम लोग बाहर से सिलेंडर के रूप में लाते हैं। लेकिन पिछले अगले 15-20 दिन में वो भी चांस है कि वो भी पूरा हो जाएगा, जो प्रोग्रेस चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी 1 मई से 18 से ऊपर के जितने भी
निवासी हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए स्वीकृति दे दी है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भविष्य में इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके आपकी क्या नियोजन है या क्या आपका मैनेजमेंट? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग लोगों को रजिस्टर करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर इलिटरेसी है और लोग गरीब हैं। तो हमारे टीचर्स हर गांव में जाते हैं, हर शहर के हर वार्ड में जाते हैं, घर घर जाके लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी जो 1 मई से शुरू होना है उसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है, तो जब तक आप खुद होकर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हमारा ये प्लान है कि जो पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर रिमोट एरिया है, वहाँ पर लोगों को जीप या बसेस के थ्रू जहाँ पर इंटरनेट आता है उस जगह पे लाया जाए, उनको वहाँ पर साइट रजिस्ट्रेशन हो, उधर ही उनको वैक्सीनेशन मिले। तो इसके बारे में हमारे हेल्थ डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, वो भी यहाँ पर 2 दिन पहले आई थी। तो मुझे लगता है कि हमारा अगर हमें वैक्सीन का सप्लाई होता है तो हमारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव करेंगे। अभी वैक्सीन का भी बड़ा शॉर्टेज है, तो वो भी एक है कि सप्लाई जब तक नहीं होता तब तक टारगेट आप कैसे अचीव करोगे। तो हमारा स्ट्रैटेजी सीधा है कि हर गाँव में जाइए, वहाँ पर जितने भी अबव 18 के लोग हैं उनका वोटर लिस्ट है, हर गांव की पास वोटर लिस्ट है, वार्ड वाइज वोटर लिस्ट है। तो हर लोगों का रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन पहले किया जाएगा, जिस दिन उनका सेशन साइट है उस दिन वहां पर मोबाइल टीम जाएगी, एक बड़ा सा कैंप लेगी और बैच वाइज गांव में सबका वैक्सीनेशन होगा। उससे क्या होता है कि एक गांव एक बार सैचुरेट हो गया तो जब सेकंड टाइम देना है तो सेकंड टाइम फिर एक ही टाइम पर सब लोगों को फिर से दे सकते हैं, तो काफी आसानी होती है उससे। और गांव के गांव वैक्सीन होने के बाद उन गांव वालों में भी थोड़ा सा एश्योरेंस आता है कि अभी हमारे गांव में किसी का डेथ नहीं होगा। सर पहले ड्राइव में जब हम वैक्सीनेशन की दौर चल रहा था तो उस वाले काल से लेके आज तक आपने आपके कितने पॉपुलेशन को आपने वैक्सीनेट अभी तक किया है? हमारा 45 लाख के ऊपर जो टारगेट है वो लगभग 3 लाख 3.25 लाख टारगेट है हमारा जिले का। उसमें से 1,10,000 डोजेस अभी तक हमने दिए है, उसमें से 60,000 to 70,000 जो नॉन गवर्नमेंट लोगों ने लिया है और बाकी लगभग 26,000 गवर्नमेंट लोगों ने लिया है। तो 1,10,000 के ऊपर डोजेस अभी तक हमारे जिले में लगाए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र भारूड जी, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं कुछ प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो उभर के आती है, आपके जिले में जो जमीनी परिस्थितियां हैं उनको समझ कर आपने एक रणनीति बनाई जो काफी कारगर साबित हुई, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थिंक ग्लोबल व एक्ट लोकल। दूसरी बात, आपके इस मॉडल से एक आत्मनिर्भरता की झलक भी मिलती है, जिसका उल्लेख पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया था। तीसरी बात, अब तो यह मॉडल जिसको हम नंदुरबार मॉडल कहेंगे, इसका प्रशासनिक स्तर पे भी सराहा गया है और अन्य जिलों को इस मॉडल को फॉलो करने या इससे सीख लेने की बात भी कही गई है। मुझे याद है कि मैं नीति आयोग गया था एक बार, तो वाटर कंजर्वेशन को लेके एक जखनी मॉडल की बात की जाती है। वैसे मुझे लगता है कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आपने जो पूरा नियोजन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। और मैंने काफी पेपर्स में भी पढ़ा था कि आपके इस मॉडल को महाराष्ट्र के सरकार ने भी फॉलो करने को बोला है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस चीज को फॉलो किया जाए। और आपने जो पूर्व दृष्टि दिखा के जो पूरा ये मैनेजमेंट किया, ये भी काफी सराहनीय है। तो थैंक यू अमित जी। मैं चाहूंगा कि इस पूरे विषय पे आप जो आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने जो हमको पूरी ये बातें विस्तार से बताई, ये काफी दिलचस्प थी और इसमें काफी सारी चीजें नई सीखने को भी मिली। मैं चाहूंगा कि इस मॉडल को पूरे देश में भी फॉलो किया जाए और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमय साठे दिल्ली से सरकारी टेल.com। धन्यवाद। थैंक यू।